हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम खेलने एक बिल्कुल नई और ज़बरदस्त गेम जिसका नाम है पैलवर्ल्ड। पैलवर्ल्ड के अंदर हमें काफ़ी सारे पोकेमोन पकड़ने होते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो कितने सारे पोकेमोन बने हुए हैं। तो बिना देर करे चलो आओ शुरू करते हैं इस गेम को। तो अब हम अपने करेक्टर का नाम चेंज कर लेते हैं, हमने इसमें MS रख लिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी बॉडी चेंज करता हूँ। यार ये बॉडी मेरे को सही लग रही है सबसे। और भी है क्या कोई? यार ये बुड्ढा सा कैसा है, लगाऊँ देखूँ? यार ये तो खतरनाक सा लग रहा है। नहीं यार यही सही है, एकदम सिक्स पैक एब्स वाला बंदा। अब इसका ना थोड़ा फेस चेंज करते हैं। ये यार इसकी दाढ़ी तो बढ़िया लग रही है यार, लेकिन ये थोड़ा दुखी लग रहा है। इसमें ये बिल्कुल ही चिकना लग रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़े कोई और देखते हैं फेस। चल ऊपर देखते हैं, ऊपर ऊपर में यार ये बड़ा सही लग रहा है। देख रहे हो इसकी आँख के पास का कट लग रहा है, एकदम ज़बरदस्त खतरनाक सा लग रहा है। ये रखते हैं। अब इसकी ना बालों का कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक हो गया। इसकी दाढ़ी का कलर और चेंज कर देता हूँ, सही लगेगा, एकदम ज़बरदस्त फील आएगी भाई। ये कर दिया हमने ब्लैक। तो चलो अब एक काम करते हैं, बिना देर करे गेम को शुरू करते हैं जल्दी से। तो गाइस ये देखो अब गेम हो गई है शुरू। और ये तीनों किसको देख रहे हैं? अच्छा पोकेमोन है यार, ये तो बड़े क्यूट से लग रहे हैं। अबे तो डर गए। अच्छा मेरा ही करेक्टर है, मुझे ही देख रहे थे। अबे देखो गिर पड़ा। तो गाइस मुझे क्या लग रहा है कि मैं किसी बोट में आया था, और ये बोट देखो यहाँ पर टूटी हुई पड़ी और मैं यहाँ आके बेहोश हो गया। अब ये सामने का टैबलेट छपा हुआ है, द टावर्स आर द की, अच्छा द ट्री होल्ड्स द ट्रूथ। तो गाइस समझ तो देखो कुछ आया नहीं। एक काम करते हैं, गेम को खेलते हैं, जैसे जैसे गेम को खेलेंगे वैसे वैसे सब कुछ समझ आता जाएगा। चलो चलते हैं। अच्छा बैग वैग भी टंगा रखा है इसने, चलो यार ये तो बड़ा सही है। तो गाइस अब प्रॉपर गेम शुरू हो चुकी है, चलो आओ चल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो यार अपना करेक्टर देखो, सिक्स पैक एब्स और इसकी बियर्ड देखो यार, क्या ज़बरदस्त लग रही है। तो चलो आओ फिर चल के देखते हैं। अच्छा ये कहाँ है? विंड स्वेप्ट हिल्स में। चलो सही लग रहा है यार, तो बड़ा ज़बरदस्त। ओ भाई साहब यार तुम व्यू देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देख रहे हो पहाड़ क्या सही लग रहे हैं, और बादल बादल, और ये आगे क्या चमक रहा है यार, बड़ा सही व्यू है। तो गाइस मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, चलो अब चल के देखते हैं कि आगे हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर देखते हो ये क्या है, एक्टिवेट करना है क्या इसको कुछ? अच्छा ये अनलॉक फास्ट ट्रैवल, एक्वायर्ड वन टेक्नोलॉजी पॉइंट। चलो पता नहीं अभी तो ये क्या है, धीरे धीरे आगे चल के देखते हैं। अभी ये कौन बैठा है, कौन है भाई तू? चलो छोड़ो इससे तो बाद में बात करेंगे, टॉक वॉक कहाँ रहा है। अच्छा ये क्या है? अच्छा ये वोट इकट्ठी करनी है। तो गाइज मैंने पढ़ा था इस गेम के बारे में कि इसके अंदर एकदम माइनक्राफ्ट जैसा है कि हम अपना घर वर सब बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें देख रहे हो कि ऐसी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। और ये सामने मेरे को लग रहा है पोकेमोन भाग रहा है, कौन है भाई, कौन है? जल्दी आओ चल के देखते हैं। अच्छा ये लैम्प बॉल यार, ये तो सही लग रहा है बड़ा पोकेमोन। और वो कौन है वो जो भागे जा रहा है? अच्छा उसका नाम है कैटिवा। अबे ये कैसे पढ़ा हुआ आराम से यार, बड़ा क्यूट लग रहा है। अच्छा ये वही पोकेमोन है जो शुरू में हमें मिला था। अच्छा ये बेरीज, अच्छा खाने के लिए। तो गाइस ये बिल्कुल एक तरीके से मान लो ओपन वर्ल्ड गेम है, बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह है। हमें इसके अंदर पोकेमोन भी पकड़ने हैं और साथ के साथ इनके लिए घर भी बनाना है और सब कुछ करना है। तो गाइस मज़ा आने वाला है इस गेम के अंदर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना खाना इकट्ठा कर लेता हूँ। ये क्या पड़ा है? पैलियम फ्रेगमेंट। चलो हो सकता है ये बाद में कुछ काम आएगा। अच्छा मैं स्टोन्स भी उठा सकता हूँ, सही है यार। एक काम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ना खाना इकट्ठा कर लेता हूँ। तो गाइज़ मेरे पास कुछ अनयूज पॉइंट पड़े थे, तो मैंने सोचा है जो पैल बॉक्स है इसको अनलॉक कर लेता हूँ। पैल बॉक्स मेरे को लग रहा है पोकेमोन रखने के काम आता है। चलो सही है, इसको तो कर ही लेता हूँ अनलॉक। और ये क्या है? अच्छा ये पोकेबॉल है पोकेमोन पकड़ने के लिए, चलो सही है। कैंप फायर भी कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या है? वुडन चेस्ट, छे कुछ सामान रखने के काम आएगा। ये रिपेयर बेंच और ये सब तो बाद में करते हैं। एक काम करता हूँ, बेड भी कर लेता हूँ। बेड हो सकता है क्या? अच्छा नहीं यार, मैं अभी लेवल 2 पे हूँ, मैं लेवल 3 पे आ जाऊँगा तब होएगा बेड। चलो सही है, अभी आगे चल के देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। पहले नीचे देखते हैं, नीचे क्या है यार? नीचे तो बड़ा सही व्यू बना रखा है इन्होंने, देख लो पोकेमोन घूम रहा। अच्छा वो कैटीवाई घूम रहा, और कोई पोकेमोन तो अभी दिख नहीं रहा है। तो गाइस एक काम करते हैं, हम ना अब थोड़े से ना टूल्स बना लेते हैं जो हमें सर्वाइव करने के लिए काम आएंगे। तो टूल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्क बेंच बनाना पड़ेगा। और वर्क बेंच सोच रहा हूँ मैं एक ना प्लेन सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम अपना बेस भी बना सके, वहीं बना लूँगा। भाई नीचे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? अबे यार कितना प्यारा लग रहा है ये झरना। चलो सही है, मुझे लग रहा है कि जो सामने जो जगह है ना ये थोड़ी प्लेन सी है, इसके ऊपर अपना वर्क बेंच बनाते हैं और यहीं पे थोड़ा सा ना अपना बेस भी बना लेंगे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सही लग रहा है, ये देख रहे हो एकदम व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है। चलो स्टोन उठा लेता हूँ। यार ये चिड़िया की जो आवाज़ आती है पीछे से, ये बड़ी सही है। तो चलो वर्क बेंच बनाते हैं अब। चलो ये कर लेता हूँ मैं सेलेक्ट एकदम। अच्छा ये आ गया। अच्छा मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ? अच्छा मुझे ही बनाना है? अच्छा ऐसे बनाएगा ये? यार देख रहे हो क्या सही एनिमेशन लग रही है, बहुत सही गेम बना रखी है यार इन्होंने तो। अच्छा इसके अंदर मैं पालस्फेयर बना सकता हूँ, वुडन क्लब, अच्छा ये सारे टूल्स बना सकता हूँ। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, पोकीबॉल बनाते हैं। पोकीबॉल बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ?
क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा सबसे पहले क्या बनाऊँ। एक काम करते हैं, वुडन क्लब बना लेते हैं जिससे हम पोकेमोन को मार के थोड़ा कमज़ोर कर सके, उसके बाद पालस्फेयर बनाऊँगा। यार ये बना रहा है, ये डांस कर रहा है, ये भी सही एनिमेशन लगा रखी है इन्होंने, मतलब ये सारे काम ऐसे ही करेगा अब। अच्छा बन गई, चलो सही है यार, ये वुडन क्लब भी आ गई। अच्छा यार अब पालस्फेयर नहीं बन सकता क्या? अच्छा मुझे लगा लकड़ियाँ कम पड़ गई। तो गाइस एक काम करते हैं कि लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए ना हम पहले पेड़ ही तोड़ लेते हैं। लकड़ियाँ ऐसे एक एक करके इकट्ठी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत तो इकट्ठी हो चुकी हैं, अब जल्दी से पालस्फेयर बनाते हैं। ये हमने कर लिया सेलेक्ट, ये हो गया स्टार्ट। चल भाई चल जल्दी कर, ये देख रहे हो क्या मस्त एनिमेशन के साथ बना रहा है। तो गाइस हमारा पालस्फेयर तो बन गया, अब एक काम करते हैं जल्दी से चल के पोकेमोन को पकड़ते हैं। देख रहे हो क्या सही लग रहा है? तो चलो आओ, आसपास तो कोई दिख नहीं रहा, नीचे चल के देखते हैं। वो जो कैटिवा दिखा था ना उसी को पकड़ता हूँ। वो देखो मेरे को नीचे दिख तो रहा है, ये दो दो दिख रहे हैं। चलो आओ जल्दी से। और गाइस जो मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो चलो चलते हैं यार, लेकिन ये दो दो हैं। मुझे लग रहा है कि अगर मैं इनको मारना शुरू करूँगा कहीं ये दोनों मेरे पर अटैक करके मेरे को मार ना दें, और साइड में मुर्गियाँ सी भी हैं ये भी ना मार दें। मुझे दूर ना एक अकेला दिख रहा है कैटिवा, देखो वो खड़ा। एक काम करते हैं उसको पकड़ते हैं चल के। चलो ये बीच में स्टोन स्टोन तो बाद में उठाएंगे। वो क्या कर रहा है, ये योगा कर रहा है क्या? आओ इससे डंडे से सुताई करते हैं इसकी। ओ ये मारा, वो बेचारो कितनी बुरी तरीके से मार रहा हूँ यार मैं, ये तो अटैक ही नहीं कर रहा मेरे ऊपर। ये देखो मैं उसको चांस भी दे रहा हूँ, वो 100% आ रहा है। अबे कहाँ भाग गया, दोबारा पकड़ने की कोशिश करता हूँ। चल चल चल, वो पकड़ लिया क्या, वो 100% आ रहा है। तो गाइस फाइनली हमने अपना पहला पोकेमॉन पकड़ लिया। यार कितनी सही फीलिंग आ रही है, देख रहे हो क्या सही लग रहा है। कैटिवा वो कैसे खड़ा है, ये इसका एटीट्यूड देख रहे हो, मतलब यार बड़ा सही पोकेमॉन पकड़ लिया, मज़ा ही आ गया। चल भाई चल जल्दी आ जा, वापस आ जा। तो गाइस अब चलते चलते एक काम करते हैं, रास्ते में से थोड़ी लकड़ियाँ और स्टोन इकट्ठे करते हैं, अपना हम थोड़े से पालस्फेयर और बना लेते हैं। तो चलो अब हम सीधा चलते हैं अपने वर्क बेंच की तरफ। वर्क बेंच पे हम थोड़े से ना टूल्स बना लेंगे, एक स्टोन पिकेक्स बना लेंगे और एक स्टोन एक्स बना लेंगे। तो फिर जैसे ये लकड़ियाँ पड़ी रहती है ना नीचे, हमें ये उठानी नहीं पड़ेगी ना स्टोन उठाने पड़ेंगे। तो गाइस जब तक मैं अपने वर्क बेंच की तरफ जा रहा हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको ये गेम कैसी लगी। चलो हम आ गए अपने वर्क बेंच के पास। सबसे पहले काम करते हैं पिकेक्स बना लेता हूँ, नहीं पहले एक्स बना लेते हैं। चलो ये बना ली हमने एक्स अपनी, ये एक्स बन दी एकदम मस्त एनिमेशन के साथ। चल भाई जल्दी बना ले। चलो एक्स तो बन गई हमारी, अब हम बनाते हैं एक पिकेक्स। पिकेक्स भी बना रहा है यार, ये चिड़ियों की आवाज़ बड़ी सही लगती है। तो गाइस अब हमारे सारे टूल्स बन चुके हैं, तो एक काम करते हैं अपना पोकेमॉन पकड़ने चलते हैं। काफ़ी देर हो गई हमने कोई पोकेमॉन नहीं पकड़ा, अभी तक एक ही पोकेमॉन पकड़ा हुआ हमारे पास कैटीवाई है। ये ऊपर चल के देखता हूँ, 6 लैम्प पॉल दिख रहा है मेरे को, काफ़ी सारे हैं अकेले ये। अच्छा गाइस ये तो काफ़ी सारे हैं, तो एक काम करता हूँ ये जो ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा हुआ ना इसको पकड़ता हूँ। चल भाई चल जल्दी चल, अब अपना पोकेमोन फेंकता हूँ मैं इसके ऊपर। चल भाई कैटिवा कर अटैक इसके ऊपर। अबे क्या कर रहा है भाई, खड़ा हुआ ये तो कमर पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है, कुछ मारता ही नहीं है। ये पोकेमोन ने कहीं गलत तो नहीं पकड़ लिया, देखना इधर से उधर भागता फिर रहा है। भाई जा भाई अटैक कर, कमांड दे रहा हूँ फिर भी अटैक नहीं कर रहा। तो गाइस मुझे लग रहा है कि अब मेरे को ना खुद ही अपने बल्ले से अटैक करना पड़ेगा इसके ऊपर। चलो भाई अपने उठा लिया बैट, यार ये तो काफ़ी कमज़ोर पोकेमोन लग रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, अब इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या। अच्छा 100% आ रहा है, चलो सही है। तो गाइस मुझे तो लग रहा है ये आ ही जाएगा। तो फाइनली हमने अपना दूसरा पोकेमॉन भी पकड़ लिया है। यार मुझे लग रहा है ये कैटिवा मैंने ना गलत पकड़ लिया। तो गाइस अब हम एक काम करते हैं, अपना ना बेस बना लेते हैं। बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपना पैल बॉक्स बनाना पड़ेगा, जहाँ पर भी हम अपना पैल बॉक्स रखेंगे वही हमारा बेस बन जाएगा। तो मुझे ये जगह सही लग रही है बेस बनाने के लिए, एकदम प्लेन एरिया है, और हमने अपने वर्क बेंच के बराबर में ही अपना पैल बॉक्स रख लिया है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। यार ये ऐसा लग रहा है जैसे लोहे के ऊपर हथौड़े मार रहा है। चलो 10 सेकंड में बन जाएगा, सही है। फिर इसके अंदर हम काफ़ी सारे पैल्स रख सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। तो चलो आओ देखते हैं इसके अंदर अब क्या हो सकता है। अच्छा इसके अंदर तो काफ़ी सारी जगह है यार पैल्स रखने के लिए, लेकिन मेरे पास तो 2 ही पैल हैं। चलो कोई बात नहीं, एक काम करेंगे जैसे जैसे हम आगे पकड़ेंगे सबको फिर इसके अंदर रखेंगे, सही है। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अच्छा बेस अपग्रेड, अच्छा ये टास्क करेंगे तो हमारा बेस अपग्रेड हो जाएगा। चलो सही है, अब आगे चलते हैं। तो गाइस ये जो झरना बह रहा था मेरे बेस के पास, यहाँ पर मैंने देखा यहाँ कुछ चमक रहा है। यार यहाँ तो कोई चेस्ट रखी हुई है, चलो खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या है। अबे गोल्ड कॉइन्स मिल गए मेरे को, और पाल्स फेयर्स मिल गए, और स्मॉल पैल्स सोल मिल गया। चलो सही है, और ये साइड में क्या चमक रहा है इसको भी देख लेते हैं एक बार, क्या ये जर्नल D2। चलो अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आगे चल के देखते हैं क्या यूज़ है इनका। अभी मैं थोड़ा और आगे गया तो मैंने पहाड़ के ऊपर एक और चेस्ट पड़ी हुई देखी, ये तो गोल्डन कलर की यार इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर भी कॉइन है और स्पेयर मिले हैं मेरे को, और ये कॉपर की मिली है एक। तो गाइस अब घूमते घूमते काफ़ी रात हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अपने घर की तरफ चलते हैं।
तो गाइस अभी आ गया हमारा बेस और ये रहा हमारा वर्क बेंच। और मैंने सुना है कि यहाँ पे ना रात को ना काफ़ी ठंड हो जाती है, तो एक काम करते हैं अपनी ना कैंप फायर जला लेते हैं। कहाँ लगाओ कैंप फायर? मैं सोच रहा हूँ साइड में लगा लेता हूँ। यहाँ लगा लूँ? नहीं यार, ये तो काफ़ी क्लोज हो जाएगी। एक काम करते हैं, ये पत्थरों के पास लगा लेते हैं, ये दीवार के पास सही रहेगी बिल्कुल। चलो सही है, बनाते हैं इसको। भाई यार ये तो इसको भी ऐसे ही बना रहा है जैसे तो लोहे के ऊपर पीट रहा हो कुछ। भाई लकड़ियाँ हैं, लोहे थोड़ी हैं। चलो देखते हैं कैसी कैंप फायर बनती है। तो चलो फाइनली बन गई। तो गाइस अब मुझे लग रहा है कि यार भूख सी लग रही है, कुछ बना लेते हैं इसके ऊपर। क्या बना सकते हैं हम? अच्छा लैम्ब बॉल कबाब, चलो सही है। तो गाइस जब तक मैं अपना डिनर बना रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम एम रखते हैं 20 लाइक्स का। तो गाइस फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। बाय बाय।